भारत में आईएएस अधिकारी कैसे बने, यह अमूमन हर देशभक्त भारतीय का सपना है, लेकिन हर किसी की यह सपना सच नहीं होता। जरूरी नहीं कि आप सेना, एयरफोर्स या नेवी में भर्ती होकर ही देश की सेवा करें, बल्कि आप आईपीएस बनकर देश के अंदर रहकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन इन सभी के साथ यह प्रश्न भी उठता है, अगर हमने हिंदी माध्यम से 12वीं पास की है या कोई और लैंग्वेज से हमने अपनी 12वीं पास की है, या और हम इन सभी के बाद कैसे आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभाता एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अब इतना तो हम सब जानते ही हैं कि आईएएस का एग्जाम किस तरह लिया जाता है, कौन सी विषय आते हैं, और साथ ही कितने भागों में इसे कंडक्ट कराया जाता है। यह मायने नहीं रखता कि आपने किस भाषा से अपनी स्कूली शिक्षा पास की है। आप कुछ उपायों को अपनाकर सिविल सेवा की परीक्षा में भाग भी ले सकते हैं और उसमें अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की तैयारी करें और आईएएस की तैयारी के लिए वीक एंड में पढ़ाई करें, जिसके लिए थोड़ा समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। आजकल तो कई सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो आपको डिस्टेंस के लिए काफी बेहतर ऑप्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। देखा जाए तो यह दोनों ही तरीके सही हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कैसे खुद का टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं और आपके लिए इन दोनों रास्तों में से कौन सा बेस्ट होगा। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ग्रेजुएशन की पढ़ाई में कितने साल लगेंगे यह तय नहीं है। किसी में 3 साल लगते हैं तो किसी में 4 से 5 साल तक भी लग जाते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए जरूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी ही चाहिए, और इसके लिए अगर आपने मन बना लिया है कि हमें सिविल सेवा की परीक्षा ही देनी है तो इसमें ग्रेजुएशन 5 साल में क्यों कंप्लीट करना। क्यों, सही कहा ना भाई, एक तो इतनी हार्ड पढ़ाई और ऊपर से इतनी मेहनत, फिर उसमें हम इतना लंबा समय क्यों लगाए। इसलिए हमारा विचार यही है कि आप ग्रेजुएशन किसी ऐसे विषय से करें, कोई ऐसी डिग्री, कोई ऐसे कोर्स से करें जिससे आपको ज्यादा समय ना लगे। और किसी भी एस्पिरेंट के लिए कॉलेज का समय सिविल सेवा की तैयारी के लिए काफी जरूरी होता है। भाई आपको 3 साल का टाइम जो मिल रहा है, और हाँ इन सभी के साथ यह ध्यान में रखें कि जरूरी है कि आप 11th में ह्यूमैनिटीज का चुनाव करें, क्योंकि इससे आपका लगभग आधा सिलेबस तो यूं ही कवर हो जाता है। हमारे यूट्यूब के चैनल पर कई सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करें, तो इसका सही और सीधा सा जवाब यही है कि आप आर्ट्स का चयन करें। इन सभी उपायों से आप सिविल सेवा की तैयारी तो अवश्य कर पाएंगे। यह जरूरी नहीं कि आपने कौन सी स्ट्रीम से पढ़ाई की है, और बस आपकी लगन और इच्छा शक्ति मायने रखती है। अगर आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां, ऐसे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज लैंडमार्क जजमेंट्स, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सामान्य धन पेपर 1 और 2, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, और मनीष रंजन की किताबें जिनमें आपको मिलेंगे सभी के सभी सॉल्व क्वेश्चन पेपर जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इन सभी किताबों को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बने रहिए प्रभात एग्जाम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।